good. Hello everyone. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year बोल दो दश. कैसे हैं आप सब? तो ये है 2022 का हमारा फर्स्ट व्लॉग एंड पूरा व्लॉग देखिएगा. बहुत मज़ा आया. पहला दिन बहुत अच्छा भी था हमारा, लेकिन उसी में मैंने एक क्लिप और ऐड की है क्योंकि वो क्लिप मैं लास्ट व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी. और दश के लिए हमने जो सेफ्टी गेट मंगवाया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इक्विपमेंट है. अगर आपके घर में छोटा बेबी है, क्रॉलिंग बेबी है या फिर कोई पेट है तो उसमें भी वो काम आता है. दैट्स वाई वो इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा उसको मैं मिस कर चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं इस वाले व्लॉग में उसको डाल देती हूँ ताकि आप सबको वो इन्फॉर्मेशन रहे. क्योंकि मैंने अब मतलब मैं लेट हो गई हूँ डालने में, तो आप लगा लीजिए मैंने 3-4 दिन से उसको मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स रियली हेल्पफुल. तो देखिए, तो ये है वो सेफ्टी गेट जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है. ये गेट मैंने बेसिकली अपनी किचन के लिए मंगवाया क्योंकि मेरे किचन में गेट है नहीं और दर्श अब बहुत फ्रिक्वेंटली किचन में आता है. तो पूरा मंदिर भी मेरा नीचे ही है और किचन भी अनफर्निश्ड है, तो सारा सामान नीचे है. और ये ना बहुत ईजी है इंस्टॉल करना बिना किसी ड्रिल मशीन के. ये एक वैक्यूम पम्प्स हैं, इसके थ्रू लगता है और बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, थोड़े टाइम में ख़राब हो जाए. अच्छा स्ट्रेंथफुल है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. अगर गेट नहीं है और आपको एक बाउंड्री बनानी है बेबी के लिए तो इट्स बेस्ट. आर यू दर्श? आर यू फाइन नाउ? आर यू हैप्पी? तो गाइस देखिए, ये लग गया है हमारा सेफ्टी डोर और अब दर्श के लिए यहाँ पे बैरिकेटिंग हो गई है. तो दर्श अब यहाँ नहीं आ सकता. अगर मेरा ध्यान इधर उधर है तो अब कुछ ख़राब नहीं कर पाएगा, वो बाहर वाले रूम में ही खेलता रहेगा आराम से. तो अब दश को शौक लगता है ग्लास से पानी पीने का. मैं जब भी पानी पीती हूँ तो दश मुझसे ग्लास में पानी मांगता है और मैं उसे थोड़ा थोड़ा अब ग्लास से पानी पिलाना शुरू कर रही हूँ. थैंक यू. हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर बोल दो दश. राधे राधे कर दो. आप राधे राधे कर दो. राधे राधे. तो सन 2022 का पहला दिन, बहुत बहुत मुबारक हो. आप सबका ये साल बहुत अच्छा बीते. आप सब जो चाहते हैं इस साल में वो सबको मिले. खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेके आई ये साल सबके लिए. और हम लोग भी इस साल की शुरुआत के लिए तैयार हो गए हैं. सुबह हम सब तैयार हैं और अब हम जा रहे हैं आज की शुरुआत करने, आज के दिन की मंदिर से. तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने और चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं. और सबसे ज़रूरी चीज़, मास्क. फ़िलहाल तो दोबारा सतर्क होने का टाइम आ गया है और जितना हम, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा जो मेन मंदिर के भीड़ का टाइम होता है शाम को, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में. और आरती के टाइम भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं शाम को, हम लोग अवॉइड करेंगे. इसलिए हम अभी अभी जा रहे हैं मंदिर. हाँ देवी, चलते हैं. तो वी आर रेडी टू गो. तो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं देखिए. लेकिन हम अपनी तरफ से सोच के आए थे कि इस टाइम पे भीड़ कम होगी, लेकिन आज मंदिर में भीड़ इस टाइम पे भी है. शायद बाकी सब भी यही सोच के इस टाइम पे आए होंगे. तो चलते हैं अंदर. तो हमने अपनी थाल ले ली है और अब चलते हैं मंदिर की तरफ. हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत. आप लाइन देख रहे हैं ये पुल के ऊपर, ये पूरी लाइन है दर्शन के लिए. फाइनली हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आगे धूनी और बाबा जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने. अपने फूल से खेलने में बिजी है. एक फूल भगवान जी की थाल में से दर्शन ले लिया.
यहाँ पे एक छोटी सी शिवलिंग अलग से है, यहाँ भीड़ कम थी तो मैं दर्शकों भी माथा टिका के आ गई हूँ। और यहाँ जल रही है अखंड धूनी। सभी मंदिरों की कितनी प्यारी सजावट हुई है देखिए नए साल के उपलक्ष्य में, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। ये अभी नया बना है, रात को और भी प्यारा लगेगा क्योंकि सारी लाइट्स लगी हुई हैं मंदिर की तरफ, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए कितनी प्यारी सजावट है, और हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं लेकिन लाइन देखिए अभी भी उतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे से पूरी लाइन है। तो अब हम लोग निकलते हैं मंदिर से बाहर, हम मंदिर से मंदिर परिसर से मतलब बाहर आ गए हैं और अब यहाँ से वापसी की तरफ जा रहे हैं। और मिस्टर शर्मा ने अभी कहा है कि हम लोग अभी लंच जो है वो बाहर ही कर लेंगे शिव सागर में, तो हम लंच करके फिर हम घर जाएंगे। तो हम आ गए रेस्टोरेंट में लंच करने। ये दर्श दर्श से हाय, एक पूरा टिश्यू पेपर का डिब्बा खराब कर दिया इस कम पड़ गया, उसके बाद टेबल पे चढ़ गया था। तो लंच हो गया हमारा, ये खड़ा है आयरन मैन और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो हम पहुंच गए थे घर और आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है दर्श के साथ ही। दर्श अभी सो रहा है और मैं उठ गई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। सीज़न में एक बार तो खाना बनता है, वैसे तो यहाँ पे ठंड पड़ती नहीं है तो एज सच कोई ऐसा खाने का बहुत मन नहीं करता गाजर का हलवा, लेकिन फिर भी सर्दियाँ हैं, मौसम चल रहा है दिसंबर जनवरी, तो एक आध बार तो गाजर का हलवा बनाना बनता है। और मेरे को वैसे भी आज साल का पहला दिन है तो कुछ मीठा बनाना था। वैसे मैं सोच रही थी पहले कि आटे का हलवा या फिर सूजी का हलवा बना के माता रानी को लगाऊंगी भोग, लेकिन फिर मैंने सोचा सर्दियाँ चल रही हैं, गाजर बहुत प्यारी आ रही हैं तो गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो बस हलवा बनाती हूँ माता रानी को लगाती हूँ। तो गाजर का हलवा तो बन गया है और इसको भोग में लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ ना आज कर दूँ घर की सफाई, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करना था ना, तो मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई नहीं की थी। तो अभी टाइम भी है, दर्श सो रहा है, तो मैं पहले मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद भोग लगा लूंगी और फिर दर्श उठ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंदिर हमारा साफ और अब लगाते हैं माता रानी को भोग। तो अब हाल फिलहाल में मैं किचन में कुछ भी ऐसा स्पेशल डिश नहीं बनाने वाली हूँ जिसको स्टीम में पकाना होता है, तो मैं ना ये सारा ताम झाम जितना फैला हुआ है ना किचन मेरी बहुत भरी भरी लग रही है, सबको कर देती हूँ पैक और रख देती हूँ ऊपर, तो किचन थोड़ी खाली खाली अच्छी लगेगी। शाम हो चुकी है, मन कर रहा है पीने का चाय, तो चाय का पानी उबाल। चाय का पानी उबल रहा है,
चाय हो गई है मेरी तैयार और अब मैं बैठ के आराम से पीती हूँ चाय। दर्श भी उठने वाला ही है, थोड़ा टाइम ही लगेगा उसको उठने में। तो उतने टाइम में मुझे अभी दो आर्टिकल्स लिखने हैं तो मैं वो लिख लेती हूँ और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। भगवान आप सबका ये साल बहुत अच्छे और बहुत खुशियों के साथ आपका व्यतीत हो। आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको पाएं और मुझे ऐसे ही प्यार करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और अपना साथ और प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।